अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं बस अभी सोकर उठी थी। आपको जैसे पहले मैंने बताया कि वेट जो है थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, तो उसको कम करने की कोशिशें जारी हैं। बस मैं इस टाइम पे मॉर्निंग में कभी कोई ड्रिंक ले लेती हूँ, तो कभी कोई ड्रिंक ले लेती हूँ, चेंज कर करके लेती रहती हूँ। उससे ये है, फिर वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पर मैंने चिया सीड लिए हुए थे, एक चम्मच मैं चिया सीड का डालूंगी, और साथ में पानी जो है उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, ताकि फिर मैं ये इसको गर्म पानी के साथ लेती हूँ। इससे ये है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। तो अब मैंने एक चम्मच चिया सीड का डाला है, साथ ही मैं इसमें बॉयलिंग वाटर डाल दूँगी, तो थोड़ा जो बस नीम गर्म होगा ये, फिर मैं इसको पी लूँगी। हाँ, बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए और फुल ऑफ फाइबर है। तो बस अब साथ के साथ मैं नेस्प्रेसो रखी हुई थी मेरी, तो उसमें जो कॉफ़ी के कैप्सूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, तो सोचा मैं इनको भी निकाल देती हूँ। इसको आज क्लीन करने का दिन था, तो बस मैंने सोचा इसको भी साथ ही क्लीन कर देती हूँ। इतना जो पानी है वो बॉयल हो रहा था। अब ये देखिए, इसमें बस मैं बॉइलिंग वाटर डालूंगी, उसके बाद मैं बस इसको पी लूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है वेट लूज़ करने के लिए। यहाँ पर मैं जो फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया है, उन्होंने जो मेरे चैनल को शॉर्ट आउट दिया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। बस साथ ही अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। अब मैंने जो है एग बॉयल करती हूँ, एग खाती हूँ ज़्यादातर मैं। कभी मैं शेक वगैरह ले लेती हूँ किसी चीज़ का बगैर शुगर के, तो आज मैं जो है एग बॉयल करके लूँगी। बस अपने लिए मैंने एग बॉयल किया, बच्चों के लिए जो है मैंने खिचड़ी बनाई थी। साथ साथ अब ये काम चलते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने जो टिक्का प्लेटर बनाया था, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आज मुझे गिफ्ट मिला, सरप्राइज़ दे दिया हस्बैंड ने। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, गोल्ड का पेंडेंट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आपके हस्बैंड को खाना पसंद आए तो आपको क्या गिफ्ट मिलता है, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई गिफ्ट मिला मुझे। आपको पता है, हस्बैंड की तरफ से तारीफ़ मिल जाए वो भी किसी गिफ्ट से कम नहीं होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला कर दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर अभी तक आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो आप भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। खुशी होती है, जैसे हमें खुशी होती है हस्बैंड हमारे लिए कुछ स्पेशल करते हैं, तो हस्बैंड्स को भी ज़्यादा खुशी होती है हमारे इस तरह से सरप्राइज़ देने से। तो ज़रूर बताइएगा मेरा जो गिफ्ट है वो कैसा लगा। अब मैंने जो चिया सीड्स लिए थे, उसको लिए हुए तकरीबन मुझे 35-45 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं एग लूँगी एक, और मैं ब्लैक सॉल्ट के साथ लेती हूँ। ये जो है हमारे, ये अच्छा भी रहता है ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट तो आपको पता है वैसे ही नुकसान देता है बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं साथ ही नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद, आज हमारा इरादा था, वीकेंड था, तो बच्चों को बाहर भी लेकर जाना था हम लोगों ने, तो इस टाइम पे बस मेरी कोशिश यही थी कि हल्का फुल्का ही खाया जाए, क्योंकि फिर बाहर जाना है तो खाना भी बाहर से ही लेना था हम लोगों ने। यहाँ पर ये देखिए, आप मेरे साथ इंजॉय करें एग, मैं एग खाती हूँ। इसके बाद मैंने जो अबाया है अपना वॉश किया हुआ था, तो सोचा क्यों ना आज दूसरा अबाया पहन लिया जाए। अब मैंने अबाया निकाला था, इसको प्रेस करूँगी, ये थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो है फ्रिल वाला अबाया है, मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है इसको प्रेस करना, तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है प्रेस करना। एक बर्तन वॉश करना और एक कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, पर क्या करें, यहाँ पर तो आपको पता ही है सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बस फिर मैंने यहाँ पे अबाया निकाला, अब मैं इसको प्रेस करूँगी। बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे, साथ साथ वो करूँगी। अपने लिए कॉफ़ी बननी रखी हुई थी, क्योंकि जो कॉफ़ी है उसके बगैर तो मेरा गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ सुबह उठ कर, तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती है मुझ में।
आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा किस किस को कॉफ़ी पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बस अब मैं आराम से सुकून से बैठकर कॉफ़ी पीऊँगी। मुझे ये होता है कि कॉफ़ी पीते हुए बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सुकून से और आराम से बैठकर एंजॉय करूँ। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। यहाँ पर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर बस मैं रसमलाई बना रही थी, खाना तो बनाना नहीं था, तो रेसिपी जो है मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करनी थी, उसकी तैयारी की हुई थी मैंने, तो सोचा क्यों ना आज मौके से फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है। बस फिर यहाँ पर मैंने जो है रसमलाई बनाई हुई थी, सॉरी लाइट्स को इग्नोर कीजिएगा, मेरी बेटी जो है वो लाइट्स के बटन दबा रही थी, इस वजह से आपको कलर चेंज लग रहा होगा इसका। तो अब बस हम लोग पार्क में आए थे खाना लेकर बाहर, टिक्का प्लेटर ही था ये, सॉरी बारबेक्यू प्लेटर था, सीख कबाब थे, बीफ के थे, चिकन के थे, और चिकन मलाई बोटी थी, ग्रीन बोटी थी और बिरयानी थी। बहुत ही यम्मी खाना था, बहुत ज़्यादा। साथ में जो है चपली कबाब थे, दाल मखनी थी, यह पेप्सी वगैरह थी, सेवन अप थी, ये सब चीज़ें थी। घर में रसमलाई बनाकर गई हुई थी, तो हम लोग अकेले नहीं थे, मेरी जो देवरानी है, देवर हैं, वो सब हमारे साथ ही थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, ऐसे अच्छा भी लगता है और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है। अकेले जाकर तो बिल्कुल भी बंदा इंजॉय नहीं करता है। फिर ये होता है कि जेंट्स अलग से बैठ जाते हैं और लेडीज़ जो हैं अलग से इंजॉय कर लेती हैं। यहाँ पर बस हम लोग जो है अपना खाना खा रहे थे, बेटा जो है मेरा अपनी बाबा की गोद में बैठा हुआ था, साथ साथ ये भी हमारे खाना एंजॉय कर रहा था। बेटी जो है मेरी वो अपनी मोटरसाइकिल साथ लेकर गई हुई थी, तो इसको फिर इसके चाचू जो हैं उस पर खिला रहे थे। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी इस हफ्ते, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस फिर कॉफ़ी के बगैर, जैसे मैंने आपको बताया मेरा गुजारा नहीं है, 2-3 कप तो लाजमी मैं पीती हूँ दिन में, तो इस टाइम पे ये है कि हॉट कॉफ़ी तो पी नहीं जानी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी ला कर दें, तो फिर हस्बैंड जो है वो कोल्ड कॉफ़ी लाए। यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी जो है हम लोग बैठे कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। गर्मी में यह ठंडा ठंडा अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पर बस मैं आप लोगों के साथ पार्क थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो जो है नहीं बनाई पार्क में। उसके बाद जो है हम पूरी रात तकरीबन बैठे रहे हैं यहीं पर, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग गल्फ ममालिक में रहते हैं उनको पता होगा कि अक्सर यहाँ पर रात को ही पिकनिक वगैरह मनाई जाती है। तो बस फिर हम लोग अब जो है घर जाने की तैयारी कर रहे थे, सुबह के तकरीबन 4:30 का टाइम था, फजर जो है वो होने वाली थी। बस फिर हम लोग सब इकट्ठे जा रहे थे घर वापस, बेटी ने फिर से ज़िद करनी शुरू कर दी कि मुझे झूला दिया जाए, तो उसके दो चाचू हैं वो दोनों उसको झूले दे रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे जो बाहर जाते हैं। फिर आकर बस मैंने इतना अनहेल्दी खाना, आपको पता है खाकर फिर कहाँ इंसान को डाइजेस्ट होता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है कहवा बना लूँ। कहवा बनाने के लिए मैंने एक लेमन लिया है, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही अजवाइन है, 1/2 टीस्पून जो है सौंफ है, 2 मैंने इलायची ली है, 2 ही काली मिर्च ली है, और 10 से 12 मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। कभी मैं किसी तरीके से कहवा बना लेती हूँ, कभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके मैं बनाती रहती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक ही चीज़ मुसलसल यूज़ नहीं करती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ग्रीन टी ले ली थी, अब 3 कप जो है मैंने पानी के लिए थे मग्स, और उसमें मैंने सब चीज़ें डाल दी थी सिवाय लेमन के और ग्रीन टी के। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए बॉईल करूँगी कवर करके, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हम इसमें मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी, उसमें जो हमने ग्रीन टी ली हुई थी वो डालेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद बस हम इसका जो लिड है हटाएँगे वो, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करके हमारा जो कहवा है लेमन डालकर पीने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत आप डाइटिंग भी करेंगे साथ साथ, आप ये कहवा लेंगे सुबह शाम, निहार मुँह सुबह में और रात को सोते वक्त,
बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ये, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वेट लॉस के हवाले से और भी चीज़ों के हवाले से मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर बताइएगा आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पे हम रात का टाइम था, मैं जो है कहवा ले रही थी और मेरे हस्बैंड जो है रसमलाई खा रहे थे। देखिए बहुत यम्मी तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसकी फुल रेसिपी देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, समन का किचन है उसका नाम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।